100 ग्राम की मात्रा में आपको मुनक्का ले लेना है, 5 ग्राम की मात्रा में मुनक्का उसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको 1 गिलास पानी ले लेना है, पानी के अंदर आपको मुनक्के को डाल देना है। मुनक्का डालने के बाद पूरी रात तो उसको भिगा के रखो आप, सुबह इसी का सेवन करके आपको पानी पी लेना है। 1.5 लीटर दूध और 2 केला आधे घंटे के बाद आपको सेवन करना है। और दोस्तों याद रहे कि दूध का सेवन करते हो आप तो दूध को हल्का सिरगर्म कर लेना है, हल्का गुनगुना करके इसके बाद आप उसका सेवन करो, क्योंकि कच्चे दूध का सेवन नहीं करना, कच्चा दूध आपको नुकसान करने लग जाएगा। और आप हल्का गुनगुना करके करोगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग इसे देख रहे हैं तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। तो दोस्तों इसे आप देख लीजिए और पहचान लीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे जो बहुत भाई ऐसे हैं, बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, आज हम उनके लिए बात करेंगे अपने बॉडी का वजन कैसे बढ़ाना है और अपने बॉडी में ताकत कैसे लानी है। तो दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको करना क्या है, आप इसे देख रहे हो तो इसे जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों ये इसको मुनक्का बोला जाता है और किशमिश बोला जाता है, बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और ये आपको बहुत आराम से मिल जाती है, दुकानों पे उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसी का इस्तेमाल करके अपने वजन को बढ़ाना है। जो हमारे दुबले पतले भाई हैं, जो हमारी दुबली पतली बहनें हैं, उनके लिए ये वीडियो खास करके, उनको ज़रूर इस औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये जो आप किशमिश देख रहे हो, मुनक्का जो देख रहे हो आप, इसी का सेवन करना है। और इसका सेवन कैसे करना है, आपको 100 ग्राम की मात्रा में आपको मुनक्का ले लेना है। 100 ग्राम की मात्रा में मुनक्का लेने के बाद आपको करना क्या है कि जब आप रात को सोने जाते हो उसी टाइम आपको इस मुनक्के को 5 ग्राम की मात्रा में मुनक्का उसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको 1 गिलास पानी ले लेना है, छोटा गिलास हो 1 गिलास पानी लेना है। उसी पानी के अंदर आपको मुनक्के को डाल देना है। मुनक्का डालने के बाद पूरी रात उसको ऐसे ही छोड़ दो ढक के, और पूरी रात उसको भिगा के रखो आप। सुबह सो के उठने के बाद आपको सबसे पहले ब्रश करना, ब्रश करने के बाद इसी का सेवन करके आपको पानी पी लेना है। और पानी पीने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं, दूसरा चीज़ नहीं सेवन करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, 1.5 लीटर दूध और 2 केला आधे घंटे के बाद आपको सेवन करना है। और दोस्तों याद रहे कि दूध का सेवन करते हो आप तो दूध को हल्का सिरगर्म कर लेना है, हल्का गुनगुना करके इसके बाद आप उसका सेवन करो, क्योंकि कच्चे दूध का सेवन नहीं करना, कच्चा दूध आपको नुकसान करने लग जाएगा। और आप हल्का गुनगुना करके करोगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। और दोस्तों बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं कि जिनको दूध नुकसान करता है, उनको अपच जैसी बीमारी हो जाती है, दूध पीने के बाद उनको अपच हो जाता है, पेट खराब हो जाता है उनका। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको दूध नुकसान नहीं करने वाला है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप करोगे तो आपको दूध नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों जब आप दूध को गर्म करते हो तो आपको छोटी इलायची जो हरी वाली होती है, हरी वाली इलायची दूध के अंदर 1 डाल देना है, फोड़ के डालने के बाद आप उसके बाद दूध को उबालो। उबालने के बाद आप पियो दूध को, आपको नुकसान करने वाला नहीं है और आपको अपच जैसी बीमारी बिल्कुल नहीं होने वाली है उस दूध पीने के बाद। इसी प्रकार से आपको 15 से 20 दिन करना है। 15 से 20 दिन आप कर लिए तो आपका 4 से 5 किलो वजन बढ़ जाएगा। 15 से 20 दिन आप करोगे तो 4 से 5 किलो वजन आपका बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है दूध पीने की, तो आप 1.5 लीटर की जगह पे आपको 1.5 लीटर दूध पीना है, 2 केले की जगह पे 4 केला खाना है। अगर ऐसा करते हो तो आपका वजन और जल्दी बढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।